आम का सीजन है और अगर इस सीजन में हमने आम की आइसक्रीम नहीं बनाई तो कुछ अधूरा सा लगता है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इस क्रीमी और सॉफ्ट आइसक्रीम को बनाना बहुत ही आसान है। हेलो एवरीवन, डिवाइन डिलीशियस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ कढ़ाई में आधा गिलास फुल क्रीम मिल्क। तो सबसे पहले हम इसके लिए बेस तैयार करेंगे। थोड़ा सा दूध मैंने इसी में से निकाल लिया था। उस थोड़े से दूध के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करके एक स्लरी तैयार की है, जिसे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर इस दूध को लगातार चलाते रहेंगे और 4-5 मिनट के अंदर ही ये दूध एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो लगातार इसे चलाते रहें, वरना ये बॉटम पर चिपक सकता है। जब तक ये ठंडा हो रहा है, एक आम मैंने कट करके रख लिया है, इसकी हम प्यूरी बना लेते हैं। आम अगर खट्टा है तो थोड़ा सा शुगर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये जो आम लिया है बहुत मीठा है, इसलिए मैं इसमें शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ। ठंडा होने के बाद ये काफ़ी थिक हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप कंडेंस मिल्क। ये घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप आम की प्योरी। चम्मच से इसको एक बार मिक्स करने के बाद हैंड मिक्सर से थोड़ी देर चला लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे फेंटने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और फ्रीज़र में इसे जमने के लिए रख देंगे। आप देख पा रहे होंगे कितना क्रीमी और स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है। फ्रिज में इसको कम से कम 2 से 3 घंटे जमने के लिए रखेंगे और उसके बाद वापस से इसे अनफोल्ड करके हम एक बार मिक्सर में फिर चला लेंगे। 2 घंटे बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा जम गया है। अब अगेन हम इसे एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और वापस एक बार इसे हैंड मिक्सर से फेंट लेंगे। इससे क्या होगा, ये आइसक्रीम जो है हमारी क्रिस्टल फ्री बनेगी, यानी इसमें बर्फ के छोटे छोटे से पीसेस जो कई बार आ जाते हैं ना, वो नहीं आएंगे। इस तरह से ब्लेंड करने से हमारी आइसक्रीम एकदम बाजार की जैसी सॉफ्ट और क्रीमी बनेगी। आप देख रहे होंगे हैंड मिक्सर से इसको फेंटने से ये काफ़ी फ्लफी हो गई है और काफ़ी सॉफ्ट लग रही है। वापस उसी कंटेनर के अंदर हम इस आइसक्रीम के मिक्सचर को डाल देंगे और अब फाइनली इसे जमने के लिए हम रख देंगे। 7 से 8 घंटे के अंदर ये बनके एकदम रेडी हो जाएगी। आइसक्रीम हमारी रेडी है और दिखने में भी काफ़ी टेस्टी लग रही है। तो चलिए फटाफट इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आप भी मैंगो लवर हैं तो आपको ये आइसक्रीम ज़रूर पसंद आएगी। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगी। काफ़ी स्मूथ बनी है, आप देख पा रहे होंगे। मैं आप लोगों के साथ पहले भी काफ़ी सारे आइसक्रीम और शेक की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। उन रेसिपीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।